हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, मेरी हर एक वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँगी जिससे हेयर फॉल ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये जो पिक्चर है, इसे आप देख सो, ये मेरे 2 साल पहले की है जब मैं कॉलेज में थी। मेरे जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा छोटे थे और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम उस टाइम पे थी। तो फिर मैंने इस टॉनिक को अप्लाई किया, इससे मेरे जो हेयर की ग्रोथ है वो डबल हुई है और जो हेयर फॉल और हेयर लॉस हो रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं टकली हो जाऊंगी, पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। तो इस टाइम पे मुझे फिर से हेयर फॉल होने लगा। तो आज मैं आपके साथ इस टॉनिक को शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच करना। तो टॉनिक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कंटेनर, उसमें यहाँ पे मैंने डाला है कटे हुए आंवला। आप सूखा वाला आंवला ले सकते हो जो मार्केट में मिलता है, आप ऑनलाइन मंगा लो, आसानी से आ जाएगा। आप चाहो तो ग्रीन वाला भी यूज कर सकते हो जो इस टाइम पे मिलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया था रोजमरी लीव्स, ये भी मेरे घर पे मैंने छोटा सा लगा के रखा, अब तो बड़ा हो गया है। जब भी मुझे लगाना होता है तो मैं फटाक से लाती हूँ और इसे मैं उबाल के लगा लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया था 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक। यह हेयर फॉल को ना पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और हेयर की जो ग्रोथ है उसे प्रमोट करता है। ये तीनों जो होम रेमेडी है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे सच में हेयर की ग्रोथ होती है। इसमें ऐड करो 1 ग्लास पानी और इसे आपको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, हल्का सा जब कलर चेंज हो जाएगा। तो इसे आप ठंडा होने के लिए साइड में रख दो। ठंडा होने के बाद इसे आपको छान लेना है। आप चाहो तो इसे आप ऐसे ही कॉटन की हेल्प से पूरे हेयर पे अच्छे से अप्लाई करो, या फिर आप स्प्रे बॉटल पे ट्रांसफ़र कर लो। स्प्रे बॉटल से ना हेयर पे अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इसे आप स्टोर करके आप चाहो तो इसे 1 या 2 दिन के लिए रख सकते हो। कोशिश करो कि जब भी इसे आप अप्लाई करो, इसे आप तुरंत बनाओ और लगा लो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस स्प्रे बॉटल को मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, जो आए दिन ख़राब हो जाता, बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का है। तो मैं इसे हाथों से अच्छे से अप्लाई करूँगी। आप अच्छा से स्प्रे बॉटल ले लो, उससे अप्लाई करो, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। इसे आपको अच्छे से हेयर में, जैसे कि हेयर की लेंथ हो गई, स्कैल्प हो गए और जड़ों पे आपको लगाना है। लगाने के बाद हल्का हल्का हाथों से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। इससे ना जो ये सीरम है, ये जड़ों पर अच्छे से लग जाता है, जिससे हेयर की जो ग्रोथ है वो डबल होती है। इसे आपको कंटिन्यू 1 या 2 मंथ लगाना है, तो आपको अच्छा से रिजल्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि आज आप इसे लगाओ और बोलो कि दीदी आप क्या बताए हो, कोई अच्छा सा तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो इसे आपको कंटिन्यू 1 या 2 मंथ तो लगाना ही पड़ेगा। इसे आप लगा के कम से कम 40 से 50 मिनट के लिए रख सकते हो। आप चाहो तो इसे आप पूरी रात भी लगा के रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप सुबह अच्छे से हेयर वॉश कर लो। इसे आपको फ्रिज में स्टोर करके 1 या 2 दिन के लिए रख सकते हो। इसे आपको वीक में 1 या 2 बार अप्लाई करना, यानी कि लगाना है। अगर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो तो इसे आपको मेरे जैसे डेली लगाओ, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल है।